नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाया जाएगा राज्य वापस। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी गई है अनुमति। जिले के उपायुक्त तथा पुलिस कप्तान शुक्रवार को उतरे सड़कों पर। लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूमने वालों पर की गई कार्रवाई। दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को पहुंची टाटानगर स्टेशन। सुरक्षा के किए गए थे व्यापक इंतजाम। अपने घर पर पहुंचकर प्रवासियों ने ली राहत की सांस। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी श्रमिकों को हवाई जहाज से वापस लाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सुरक्षित वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। श्री सोरेन ने कहा कि विशेष ट्रेनों और बसों से प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी और अन्य लोगों का वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सभी प्रवासी श्रमिक सुरक्षित घर नहीं आ जाते और उनको आप ही लोग अवगत करा दे तो ज्यादा बेहतर होगा कि राज्य सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही सही। और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता दें जल्द से। पूरे राज्य भर में शुरू से ही कोरोना से अछूता रहने वाले जमशेदपुर शहर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन इस प्रयास में है कि हालात नियंत्रण में रहे। शुक्रवार को देर शाम जिले के उपायुक्त और जिला पुलिस कप्तान ने कमान संभालते हुए खुद सड़कों पर उतरे और तमाम चेक नाकों में जांच अभियान चलाया। शहर के जगह जगह बने चेक नाकों में किसी तरह की ढिलाई ना बरती जाए इसको लेकर पहले ही हिदायत दिया जा चुका था। अब जिले के उपायुक्त और जिला पुलिस कप्तान इस और ज्यादा सतर्क हैं। तपती धूप में ही जिले के उपायुक्त व पुलिस कप्तान सड़कों पर उतर गए और खुद आने जाने वालों की जांच करने लगे। इस दौरान सड़कों पर जाम का नजारा देखा गया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बाहर निकल रहे थे जिस पर पुलिसिया कार्रवाई भी की गई। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला तथा जिला पुलिस कप्तान एम तमिल वनन ने खुद इस दौरान वाहन तथा लोगों के पास की जांच की। इस दौरान अधिकतर लोग बिना वजह बाहर घूमते पाए गए जिन पर कार्रवाई की गई। जिले के उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी बेवजह घर से बाहर निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई लोग पास का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए, उनके पास को जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनके पास पड़ोस के जिले सरायकेला के लिए पास उपलब्ध है लेकिन वो जमशेदपुर में घूम रहे हैं, ऐसे में उनके पास को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें और पास के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट पास के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर अधिकांश लोग जो पाए गए हैं वो बिना वैलिड पास के और कुछ ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिन्होंने पास बनवाया है लेकिन अभी जब ये जा रहे थे तो उसको देख करके स्पष्ट हो रहा था कि ये उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहे थे जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पास बनाया था। तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इस क्रम में हम लोग ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जाम ना लगे, ये
छोटे छोटे डिस्टेंस पर हम लोग अलग अलग चेक पोस्ट लगाना चाह रहे हैं ताकि एक चेक पोस्ट पर अधिक भीड़ ना हो चेकिंग के क्रम में। ये लॉकडाउन का वायोलेशन कई जगह पे देखा जा रहा है, ये लोग पास वैलिड पास लेते हैं तो वो वैलिड पास खत्म होने के बाद भी वहाँ चलते हैं, उन लोगों को रुकवा रहे हैं और बहुत लोग अपना आईडी कार्ड में जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम बैंक में काम कर रहे हैं, फलाना काम में जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम रुकवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कोई भी जो काम कर रहे हैं ऑफिस काम छोड़ के दूसरे परिवार के साथ भी बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों का हम लोग अभी चेकिंग किए हैं, मोबाइल और हम लोग चेकिंग किए हैं, काफ़ी सारा लोगों को करीब 100 गाड़ी के ऊपर हम लोग उसको चालान कर रहे हैं और बहुत सारा लोगों को फेस भी कर रहे हैं। ये भी हम लोग अवेयरनेस करा रहे हैं कि जो है अननेसेसरी बिना किसी कारण का बाहर नहीं आना है, वैलिड पास होगा तभी आना है। बहुत सारा लोग जो सरायकेला का पास लेकर इधर आ रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग फेस। दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली कोविड 19 एसी स्पेशल ट्रेन का आगमन टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को हुआ, जहां कई दिनों से शहर से बाहर फंसे यात्रियों ने टाटानगर पहुंचते ही राहत की सांस ली। देश के विभिन्न कोने में फंसे मजदूर, छात्र व अन्य लोगों के लिए केंद्र सरकार के आह्वान पर विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ कोविड 19 एसी स्पेशल ट्रेन भी है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली विशेष ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे स्टेशन परिसर में जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रबंधन व सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया था। टाटानगर से भुवनेश्वर की ओर जाने वाली यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही टाटानगर रेलवे परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। वहीं जो यात्री दिल्ली से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंस के तहत एक एक कर उन्हें बाहर निकाला गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न कोने में फंसे यात्रियों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही राहत की सांस ली। न्यू दिल्ली, वहाँ से मैं तो वहाँ पे जॉब कर रही थी, मार्च में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था एंड आई हैव टू शिफ्ट माय होम टाउन, टेक महिंद्रा में जॉब कर रही थी। कहाँ रहती हैं? आदित्यपुर में, जमशेदपुर का सारा चाहती हूँ। सब जो भी फंसे हुए हैं उनको अपना घर आना अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जहाँ फंसे हैं वो खुद फैसिलिटीज नहीं मिल रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 11 मई को सिकड़ी पारा में हुए मॉब लिंचिंग में सुलेमान मियां की मौत हो गई, पर झारखंड सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, जबकि इस मामले में एक अन्य घायल है। उन्होंने कहा कि बकरी चोरी के मामले में लोगों ने सुलेमान मियां और एक अन्य को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस मामले में एक अन्य घायल है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब भाजपा की सरकार थी तो तबरेज अंसारी की मौत का कारण मॉब लिंचिंग ही कहा गया था। उस समय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस मामले को काफी उजागर किया था। नाम बिना लिए उन्होंने कहा कि अभी राज्य के मंत्री पद को सुशोभित करने वाले कांग्रेस नेता तबरेज अंसारी को आर्थिक मदद भी किए थे। सड़क से लेकर सदन तक तबरेज अंसारी का मामला उठा था, मगर उस समय भाजपा की सरकार ने SIT का गठन कर कार्रवाई भी की थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो सभी वामपंथी दलों के लोगों ने भाजपा के खिलाफ आवाज उठाया, मगर अब सुलेमान मियां की मौत पर सभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? भाजपा के सरकार में मॉब लिंचिंग और भुखमरी के मामले को काफी उजागर किया करते थे, मगर अब अपनी सरकार बनने पर सभी मॉब लिंचिंग हो या फिर भूख से मौत के मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समझे कि यह सवाल मेरा नहीं बल्कि झारखंड की जनता का है।
कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए देश में 50 दिनों से अधिक अवधि से लॉकडाउन किया गया है। वहीं जमशेदपुर में इस दौरान अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता छोटे छोटे बच्चों को लेकर हो रही है, जहां स्कूल बंद, ट्यूशन बंद, खेल कूद के सारे मैदान और पार्क बंद है। दिन रात बच्चे घरों में रह रहे हैं, जिससे बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। कई बच्चे कोरोना बंदी के दौरान अपनी पुरानी संस्कृति को समझकर प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहे हैं, तो कई बच्चे दिन रात मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते नजर आ रहे हैं, जिससे घर के अभिभावक काफी परेशान और चिंतित हैं। हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे परमात्मा, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचान ले और तेरी ही पूजा के लिए कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आज के टाइम में जहाँ बच्चे दिन भर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या टीवी हो, इस समय माता पिता का ये फर्ज बनता है कि वो ध्यान रखें कि बच्चे उस गैजेट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत। लॉकडाउन के क्रम में काफी कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो समय है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और इसके संबंध में विशेष करके सभी अभिभावकों और उनके बच्चों से ये अनुरोध है कि इसको एक अवसर समझते हुए इस समय का सदुपयोग करें और प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, जिससे कि आपके स्किल डेवलप हो सकें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी रुचि है उसके संबंध में आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, और जो भी आपके पास अवसर और संभावनाएं उपलब्ध हैं उनका बेहतर प्रयोग कर सकें। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर के परिवहन कार्यालय से अब तक 9000 पास लोगों को इशू किया जा चुका है। यह पास इंटर स्टेट व अदर स्टेट के लिए इशू किया गया है। साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगभग 600 मजदूरों को जिला परिवहन विभाग ने बसों के जरिए शहर लाया है। जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को बसों से लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी बसों से लाया जा रहा है। रांची, बरकाकाना और धनबाद ट्रेन से पहुंचने वाले श्रमिकों को बसों से इन जिलों में लाया जा रहा है। अभी तक जो है इस जिले से इंटर स्टेट के 3003 पासेस इशू हुए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट के 2802 और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के 3032। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं करीब 9000 पासेस इशू किए गए हैं, और लॉकडाउन 3 के बाद ही बाद से हम लोग जो है जब से सरकार का आदेश हुआ है कि श्रमिकों को दूसरे स्टेट से लाना है, तब से हम लोग जो है जो कुछ बसें हम लोग भेज रहे हैं विभिन्न स्टेट में, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ से श्रमिक ला रहे हैं। तो इसमें जो है उड़ीसा हम लोग 10 बसें भेजे थे और छत्तीसगढ़ 15 बसें भेजे थे, जिसमें करीब 350 इस ज़िले के मजदूर थे, बाकी 300 के करीब अन्य ज़िलों के मजदूर थे। मतलब कुल 650 के आसपास हम लोगों ने इन बसों से लाया। उसके बाद जो है प्रतिदिन जो है जो ट्रेनें आ रही हैं विभिन्न स्टेशनों में, हटिया, बरकाकाना, बोकारो, धनबाद, ये सबसे रेगुलर श्रमिक आ रहे हैं और हम लोग बसें भेज करके श्रमिकों को ला रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। बावजूद इसके जमशेदपुर के निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। वैसे राज्य के शिक्षा मंत्री के आदेशों को भी यहां निजी स्कूल प्रबंधन ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला गोविंदपुर स्थित विवेक विद्यालय का है, जहाँ स्कूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान और अभिभावकों पर जबरन दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए झारखंड छात्र मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां जिले के उपायुक्त के नाम एक 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से छात्र नेता चंदन ठाकुर ने बताया कि गोविंद विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को मैसेज भेजकर लॉकडाउन की अवधि की फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। के अभिभावकों के द्वारा कुछ प्रवीण सिंह जी को कुछ मामले सामने आए थे, जिसमें अभिभावकों को लूटने का काम किया जा रहा था। प्रवीण सिंह जी द्वारा ये
मामला हमारे संज्ञान में आया और एक सामाजिक व्यक्ति और छात्र नेता होने के नाते इस मामले को संज्ञान में लेकर मैंने स्कूल प्रबंधन से बात की। स्कूल प्रशासन से कोई हल नहीं निकला। उसके बाद भी वो लगातार कॉपी किताबों को बेच रहे थे। इस मामले को लेकर हम सबसे पहले डीसी ऑफिस के पास आज आए हैं। इसमें 5 सूत्री मांगे थी कि स्कूल प्रशासन द्वारा जो भी पुस्तकें बेची जा रही हैं, कॉपी किताब बेची जा रही, उसमें सभी का मूल्य अनुचित लिया जा रहा है। लगातार शिक्षा मंत्री के कहने के बाद भी अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज कर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको फी भरने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच कैब चालकों की हालत इन दिनों खराब है। लॉकडाउन के कारण इनकी रोजगार बंद हो गई है और इन्हें सरकारी तंत्र के तरफ से कोई मदद भी नहीं मिल पा रहा है। शुक्रवार को ये चालक जिले के उपायुक्त के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। गौरतलब हो कि शहर में लगभग 300 की संख्या में कैब चालक है और लॉकडाउन में कैब चलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इन सभी चालकों का रोजगार बंद हो गया है। जितनी जमा पूंजी इनके पास थी अब वो भी खत्म हो गई है और सभी के परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं को लेकर कैब चालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही इनके लिए मदद किए जाने की अपील भी की। सर, हम लोग को कैब बंद कर दिया गया है लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते, और हर राज्य सरकार कुछ ना कुछ दे रही है ड्राइवर को, 5-5 हज़ार रुपया दी है। तो हम लोग डीसी साहब को भी लेटर दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर दिया हुए हैं और सरजू राजी को लेटर दिया हुए हैं, और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। एक महीना हो गया है और हम लोग सारा ड्राइवर परेशान है। हम लोग का 300 कम से कम मेम्बर है सर। तो हम लोग लॉकडाउन का देख के नहीं लाए हैं। 20-25 आदमी को सब आया हुआ है कि डी सी साहब को थोड़ा सा फिर से मिला जाए, क्या कुछ हम लोग का सहयोग किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।